एंड प्रोजेक्शन, ये तीन सब टॉपिक और हैं, और थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। उस दिन थोड़ा सा हमने किया था ये, लेकिन चलिए फिर एक बार फिर से। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। बेटा, लेट वी कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा लाइक दैट। आ गए ना सभी लोग लगभग? Yes, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ये वेक्टर ए है मान लीजिए और ये वेक्टर बी है। तो हम लोग बी का प्रोजेक्शन ए पर चाहते हैं। तो यदि हम लोग बी के टिप से इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारे पास ओ आर सेक्शन है, ये बोला जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमें ये ओ आर लेंथ लानी है, और ओ आर की जो लेंथ होगी वो हम लोग कैसे ला सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। Yes. तो यहां पर यदि हम ट्राइंगल लें तो किस तरह से आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ आर अपॉन ओ बी, ऐसे करके लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना? तो ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर बी इन टू कॉस थीटा। जबकि कॉस थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? कॉस थीटा को लिखा जा सकता है ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बेटा, ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a dot b is equals to mod of a mod of b cos theta। done। तो ये b yes. और b कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग b dot a over a लिख सकते हैं, और इसको फाइनली मैं b dot a cap भी लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास or का लेंथ आ जाता है, यही प्रोजेक्शन है। तो आप इसे एक फैक्ट के तरीके से याद कीजिए कि भाई ओ आर इज इक्वल टू बी डॉट, आई मीन इफ वी वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो बी डॉट ए कैप। ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग चाहिए, तो ए डॉट बी कैप। मान लो कोई वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है, तो पी डॉट क्यू कैप क्या शो करा करेगा? कि प्रोजेक्शन ऑफ पी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ क्यू। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला ये बनाकर याद रख लीजिए। और यदि हमसे कोई कहता है कि ओ आर वेक्टर बताइए, तो ओ आर वैक्टर हम लोग कैसे करेंगे? जिसकी भी डायरेक्शन में ये है, उसके यूनिट वेक्टर में यदि हम इसकी लेंथ की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतने पार्ट का वेक्टर हमारे पास मिल जाएगा। मैं फिर से बताऊंगा, जैसे मान लो कहीं भी एक वेक्टर है इस तरह से, ये ओ है, ये पी है, और ये वैक्टर पी था, और मुझे सिर्फ इतने पार्ट का ओ टी, इतने पार्ट का वैक्टर चाहिए जिसकी लेंथ के है। तो यदि मैं ओ टी वैक्टर लाना चाहूं, तो के और पी कैप ऐसे करके आ जाएगा। ओ टी वैक्टर इज इक्वल टू के पी कैप। तो किसी पार्ट में से यदि हमें कोई पूरा पार्ट न लेके कुछ पार्ट लेना होता है वैक्टर फॉर्म में, तो कंप्लीट पार्ट के यूनिट वैक्टर में उस लेंथ की मल्टीप्लाई करने से उतने पार्ट का वैक्टर हमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो यदि हम ओ आर वैक्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्शन वैक्टर की, तो ओ आर की लेंथ हमारे पास आ चुकी है बी डॉट ए कैप, और ओ ए का हो जाएगा ए कैप। तो आई मीन फाइनली ऐसे करके हम लोग समझ पाएंगे बी डॉट ए कैप ऑफ ए कैप। तो ये बेटा दो फॉर्मूले आप याद रखिए अच्छे से। ये तो होता है प्रोजेक्शन वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन जरूर याद रखना। प्रोजेक्शन वेक्टर किसका है? ये बी का अलोंग ए, और ये है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं एक बार फिर से टिक कर रहा हूं,
इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले याद करने में भी आसान है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है कि बी डॉट ए कैप बी का प्रोजेक्शन ए पर, यूजफुल बहुत है। थ्री डी ज्योमेट्री में भी हम लोग इसका थोड़ा सा यूज करेंगे। और बेटा इसमें ना एक पार्ट और थोड़ा सा आप तैयार करके रखना, इसमें ना जैसे ये ओ आर प्लस आर बी को हम लोग ओ बी कह सकते हैं, ये तो आप क्लियर कहोगे कहोगे हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको हम लोग ना बी माइनस बी डॉट ए ऑफ ए और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, कभी कभी ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी पूछ लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ना मेरे पास, ये तो होता है प्रोजेक्शन, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बी का ए के डायरेक्शन में, तो वो ऐसे आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से समझ लें, या कई बार ऑर्थोगोनल डिस्टेंस या डिस्टेंस के नाम से भी पूछ लेते हैं, तो ये आप याद रखिए। ये हम ए ए और ए स्क्वायर कहाँ से ले आए कि हमने जो कैप थे ना, ये कैप हटा के ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए, तो ये वहां से आ गया है। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बी इज इक्वल्स टू बी माइनस बी डॉट ए कैप ऑफ ए कैप, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेज की लिस्टिंग बहुत अच्छे से करना, कभी मैं आपको जब बुलाऊंगा तो वो थोड़ा सा मुझे आप दिखाना भी कि भाई आपने कैसे कैसे लिखे हैं। जितना आप अच्छे से लिखोगे ना उतना ही वो याद भी रहेंगे, और कभी भी आप उनका ना यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ज़रूरत है किसी फॉर्मूले की तो वो अच्छे से लिस्टिंग में है तो आप ढूंढ लोगे उसको। ये चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्शन क्लियर है बेटा? यस सर। इस पर हम लोग क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले तीनों चारों जो टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं ना उनको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ पहले। अब हम नेक्स्ट पर मूव कर रहे हैं, ठीक है? यस। अब आप लिखिए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ फैक्टर्स। मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होगा कहीं ना कहीं, किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्ट कुछ मिल सकता है, ये थोड़ा सा देखना है बेटा। इसमें हम लोग ना तीन वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। सिस्टम जो होता है वो कम से कम तीन वेक्टर का बनता है, दो से नहीं बनता है। जो वॉल्यूमेट्रिक शेप कम से कम बनाए इसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर हैं, लेट दे आर नॉन कोप्लेनर। दैट इज अगर जो ये नॉन कोप्लेनर होंगे तो इनका जो एस टी पी था वो पक्का नॉन जीरो होगा, क्योंकि यदि जीरो हो जाएगा तो भाई फिर तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे। और एक और सिस्टम है ए डैस बी डैस एंड सी डैस, तो ये सिस्टम इन वेक्टर्स के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोला जाएगा। इफ मतलब बी द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर द गिवन सिस्टम। इफ ये बहुत ध्यान से समझना है कि ए डॉट ए डैस और बी डॉट बी डैस और सी डॉट सी डैस, ये तो वन प्रोड्यूस करें, एंड जो भी अदर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे नाइन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा, ए ए डैस ए बी डैस ए सी डैस बी ए डैस बी बी डैस, तो नाइन कॉम्बिनेशन में से थ्री कॉम्बिनेशन तो वन देंगे ईच, और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो जैसे कि ए बी डैस हो गया ए सी डैस हो गया या बी सी डैस हो गया, जो भी कॉम्बिनेशन हैं दे ऑल आर जीरो। दैट इज हम लोग ऐसे लिखा करेंगे कि ए डैस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा करेंगे हम लोग बी क्रॉस सी और डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर एरे दिस। इसी तरह से बी डैस सी क्रॉस ए और डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये सी डैस ए क्रॉस बी और रेक्टेंगल। देखो आप समझ रहे हो ना, उन्होंने पहले ही नॉन कोप्लेनर क्यों बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि ये इस तरह से आता है, जब इस तरह से आएगा तो भाई ए बी सी यदि जीरो हो गया तो ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा।
और ए डॉट, जरा आप ना इसकी एक बार डॉट करके देखो अपने मन ही मन में, ए डॉट ए डैश क्या आएगा? जब मैं यहाँ पे ए डॉट लिखूंगा तो ए डॉट बी सी, ए बी सी तो आता है, और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, वो वन हो सर। जाएगा। और बाकी कोई भी लिखोगे, जैसे आपने बी लिखा बी डॉट ए डैश, तो बी डॉट बी क्रॉस सी दैट विल मेक बी बी सी, और बी बी सी का रेक्टेंगुलर एरे जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। अब ये ना, ये है क्या? फिर हमसे कोई पूछे कि भाई आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई फिगर वगैरह भी बनता है क्या? मतलब होता क्या है कि ये ना इमेजिंग के लिए थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में काम आता है। भाई कोई भी चीज़ ना, आप जैसे सिमेट्रिसिटी पढ़ते आ रहे हो कहीं ना कहीं, भाई आपने हाइपरबोला पढ़ा, आपने कह दिया कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं एक दूसरे के, तो ऐसे ही रेसिप्रोकल सिस्टम भी होते हैं। मतलब वो ये कहता है कि जहां भी एक वेक्टर सिस्टम है किसी भी तरह का, मान लो एक रेक्टेंगल यहाँ पर है या क्यूबॉइड यहाँ पर है, तो एक क्यूबॉइड इसी के जैसा यहाँ भी होगा, इधर भी होगा कहीं ना कहीं, जो इसकी इमेजिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से आगे चल के, फिलहाल यहाँ तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर है कि हमें तीन वेक्टर्स जो नॉन कोप्लेनर हैं उसके लिए एक ऐसा रेसिप्रोकल सिस्टम होता है जो मैथमेटिकली ऐसा होता है। इसका आप कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देख रहे हो बेटा, ठीक है ना? मैं इसका कोई फिगर बनाऊंगा, ये अलग है थोड़ा सा, आगे वाली मतलब आगे आने वाली स्टडी में आप देख पाएंगे इसको, यदि आप करते हैं आगे वेक्टर से रिलेटेड तो वहां जरूर मिलेगा ये चीजें, है ना? जैसे बहुत से लोग आईआईटी से मैथमेटिकल कंप्यूटिंग वगैरह करते हैं, तो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में ये चीजें आगे मैट्रिसेस में, रेसिप्रोकल मैट्रिसेस, ये सारी चीजें वेक्टर्स में, सब चीजें वहां मिलती हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ मैथमेटिकली पार्ट इसका समझना है। समझ गए बेटा आप? एक बार फिर से सिंक्रोनाइज़ली के लिए बताता हूँ कि यस एक तीन वेक्टर्स का सिस्टम है ए बी सी जो नॉन कोप्लेनर है, एक दूसरा सिस्टम है ए डैश बी डैश सी डैश, ये दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम का वर्क करेंगे यदि ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश और सी डॉट सी डैश तो वन हो जाए और बाकी के कॉम्बो जीरो प्रोड्यूस करें। अब यदि कोई मुझसे कहे नहीं मुझे ए की वैल्यू बी और सी के फॉर्मेट में लिख के दिखाओ, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम लोग ए को लिख देंगे बी डैश क्रॉस सी डैश और डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश एंड सी डैश, समझ गए ना आप लोग? इसको लिखना हो तो इसको लिख देंगे, फिर ये इसका रेसिप्रोकल सिस्टम हो जाएगा। तो ये ध्यान दें आप, क्लियर है बेटा ये बात? यस रेसिप्रोकल सिस्टम। चलिए उसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर के बारे में और समझ लें, और एक इक्वेशन के बारे में, फिर हम क्वेश्चंस पे अपना टाइम बिताएंगे, ठीक है बेटा? एंगल बाइसेक्टर्स पर भी हमें क्वेश्चन कई बार मिला हुआ है, जैसे कि मेंस वगैरह में आ जाता है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी, ये सी। एक काम करो, यहाँ पे ओ मान लो, ये ए मान लो और ये बी मान लो, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब मान लीजिए एक हमने इस तरह से एक वेक्टर लिया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये थीटा वाई टू है तो ये थीटा वाई टू, या थीटा थीटा जो भी आप चाहें। ये मान लीजिए पी पॉइंट है, अब मुझे ओपी वेक्टर लिखना है, ओपी वेक्टर। तो इस वेक्टर के लिए आप लोग एक फॉर्मूला नोट कर लें, लैम्डा ये ए कैप प्लस माइनस बी कैप। ये कैसे आया थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले आप इसे लिख लें। ओपी ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं ना कहीं आपको रिपीट में कराऊंगा। अच्छा ये बता दो, ये जैसे एंगल इक्वल हैं तो एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगा, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ओए अपॉन ओबी, सर। है ना? ये शायद 10th वगैरह में कुछ आती है, ऐसे बहुत पहले आती है, तो उसी से हम इसको आगे ले आते हैं। तो ये आप याद रखिए। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा के बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये हम लोग जब लाएंगे और कोई उन्होंने बाउंड्री कंडीशंस दी तो हम लैम्डा की वैल्यू भी ले आ सकते हैं, ठीक है? लैम्डा क्या क्या लिखा हुआ है? लैम्डा ये ब्रैकेट है और ये ए कैप प्लस माइनस बी कैप, ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है ना। तो ये किन दो साइड्स का एंगल बाइसेक्टर है जो ऑलरेडी किससे इक्विप्ड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूलेज हैं अपने आप में और इनका यूज हो सकता है। और एक बेटा हम लोग फाइनली समझेंगे वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस बेटा, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, तो वेक्टर इक्वेशन से सबसे पहली बात हमारी समझ में क्या आती है? यदि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो और बस हमें कोई वेक्टर इक्वेशन नाम ले, तो हम सबसे पहले क्या समझें? होंगे सीधी बात, मतलब एन एक्सप्रेशन विच इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, है ना। जो वेक्टर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब्ड है वो वेक्टर इक्वेशन है। मान लो कोई मुझसे कहे कि भाई मैंने एक इक्वेशन लिखी लैम्डा आर और प्लस ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू बी, लैम्डा मान लीजिए मैंने कह दिया नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक एक्सप्रेशन है आप देखो, जिसमें वेक्टर्स जो हैं वो एज ए वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। आर आर वेक्टर बेटा वेरिएबल वेक्टर होता है, जिसे हम लोग जनरली ऐसे करके लिखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल वेक्टर होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। अब मान लो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है? मान लो मैं आपसे कहूं कि एक इक्वेशन है जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, सॉल्व इट। तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है कि भाई वी आर आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ ये बात अलग है, उन्होंने कैसे पूछा है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो फिर हम कंप्लीट डोमेन में से लेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है तो माइनस पाई से पाई तक लेंगे, है ना। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो जब मुझे कोई इक्वेशन देके कहेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो बेसिकली व्हाट देयर आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल इसका मतलब साफ है कि वो आर के लिए कह रहे हैं हमसे। तो यहां तक की बात समझ में आई बेटा, कि यदि उन्होंने हमसे कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो एक्चुअली देयर आस्किंग फॉर वेक्टर आर। तो जब हम लोग, इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझेंगे इसको। तो ये जो आर है मुझे लाना है यहाँ पर, तो अगर जो ये ए क्रॉस आर नहीं होता ना, तो हम तो बहुत सिंपल कह ही देते भाई, ये तो ये रहा। हमें इसको फ्री करना होगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को फ्री करना होगा, मतलब तो हमें आर को ना एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में लाना होगा, जैसे यहाँ पर है। अच्छा आप मुझे अब आइडिया दीजिए कि मैं ए क्रॉस आर से आर को कैसे बाहर लेके आऊँ, है कुछ हमारे पास आइडिया इसको लेकर? भाई ऐसा कौन सा हमारे पास अभी तक की पड़ी हुई प्रॉपर्टी है जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग फ्री हो जाते हैं? मैं समझता हूँ एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखवाई है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका रिजल्ट ना क्रॉस से फ्री होता है, मतलब ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, समझ रहे हैं आप? अच्छा तो मुझे ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हम लोग बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, लेकिन अब बात ये आती है लें किसका क्रॉस प्रोडक्ट। भाई हमें यदि इसको फ्री कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट से तो यहाँ फंस जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी बेटा कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, इसको तो निकालना ही है बाहर, और इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट्स के अलग कुछ हमारे पास है नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इसका मतलब साफ है, पहला स्टेप हम लोग ले रहे हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो लैम्डा आर क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस आर क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी। क्रॉस प्रोडक्ट में ना ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। तो ये लैम्डा ऑफ आर क्रॉस ए प्लस, अब क्या होता था ध्यान कीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आगे आ गया, और आर यही हम चाहते थे माइनस। अब क्या लिखूं, बाहर आएगा ए वेक्टर और अंदर आएगा आर डॉट ए, है
इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। बेटा पहले यहां तक की बात बताओ मुझे, आपको समझ में आता है यहां तक सब कुछ? यस सर। ठीक है जी, अब यहां तक हमने अभी, अब ये जो r डॉट a है ना, इसकी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ r का जो अपना एग्जिस्टेंस था वो देखा जाए तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हम r को जितना भी हो सके यहाँ से एलिमिनेट करना चाहेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो बेटा, ये सेकेंड मान लो। r डॉट a लाने के लिए मेरे पास अभी भी फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी मैं हेल्प लेना चाहूंगा। स्टेप टू, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। अब ना इन सब के बीच आप ये जरूर समझने की कोशिश करना कि हमारे पास स्टेप की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे मिलता है, क्योंकि इसका कोई एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम सिर्फ इतना सा है कि हमें इस आर को लाना है। उसके लिए यदि डॉट है तो डॉट एक बार को हम थोड़ा सा डॉट के फॉर्म में ही ला सकते हैं आंसर, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आर का आंसर बाकी सबके फॉर्म में आए, ए बी सी जो भी वैक्टर्स हों। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इन बोथ साइड, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा इसको, ये लैम्डा आर डॉट ए। बेटा क्या मैं इसको जीरो लिख दूं? बताना जीरो कैसे आ गया। यस सर, जीरो आ जाएगा। ए क्रॉस आर डॉट ए लिखेंगे तो ए आर ए रेक्टेंगुलर एरे बन गया। श्योर श्योर, तो ए आर ए हमारे पास जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तो हमें बड़े आराम से मिल गया भाई, जल्दी मिल गया। तो ये बी डॉट ए ओवर लैम्डा, अब ये वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब ये ए और बी में डिस्क्राइब हो गया, ये हो गया, लेकिन अभी भी ना हम यहाँ फंसे हुए हैं आर क्रॉस ए में। ये आर में ले आऊंगा। अब आर क्रॉस ए का ट्रीटमेंट आप मुझे बताओगे, इसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? भाई कुछ प्लेस कर लीजिए, और क्या करेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है अपने आप में। यहां तक समझ में आ गया बेटा, मैं आगे चलूंगा। तो मैं ये प्लेस कर देता हूँ यहां पर थ्री में, नेक्स्ट में। वहां था आई थिंक लैम्डा ऑफ आर क्रॉस ए, फिर था प्लस ऑफ मॉड ए स्क्वायर आर माइनस, अब यहां पे हमें प्लेस करना था ए डॉट बी टू बी क्रॉस ऐसे कुछ वहां पर था। अब आर क्रॉस ए के लिए हमें वैल्यू लानी पड़ेगी। तो मैंने एक इक्वेशन पीछे वहां पर लिखी थी, ये मैं थ्री लिख देता हूं। वहां पर एक इक्वेशन आई थी, ये लैम्डा ऑफ आर क्रॉस ए प्लस, नहीं नहीं एक मिनट, दूसरी सीट पे देखना पड़ेगा। हाँ बेटा देखिए, सबसे पहले इस लैम्डा को हटा देते हैं, एक मिनट। ये लैम्डा हटाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर आर क्रॉस ए प्लस लैम्डा ऑफ मॉड ए स्क्वायर आर माइनस ए डॉट बी ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी क्रॉस ए। हमने लैम्डा की मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन हमें आर क्रॉस ए को हटाना है। आर क्रॉस ए को हमें हटाने के लिए इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है क्वेश्चन था लैम्डा आर प्लस ए क्रॉस आर इज इक्वल्स टू बी। एक काम करते हैं, माइनस बी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ए लिख दें बेटा। ये बात किस किस को समझ में आ गई ये बताओ जरा।
लेमडा आर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस आर हो गया था, लेकिन मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया और मुझे इजीली आर क्रॉस ए की वैल्यू मिल गई। तो मैं ये वैल्यू बेटा उठा अगर यहां पर ले आता हूं, सॉरी, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर लेमडा आर माइनस बी प्लस लेमडा मॉड ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू, सबको इधर ट्रांसफर कर दो, इसका कोई काम नहीं है इधर, लैम्डा बी क्रॉस ए। अब धीरे धीरे हम लोग आर को फ्री करने के बिल्कुल एकदम वर्ज पर हैं। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा मॉड ए स्क्वायर ऑफ आर, क्या कहते हो, इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बी प्लस ए डॉट बी ए प्लस लैम्डा बी क्रॉस ए, और फाइनली वी गॉट इट एज R is equals to, ये यहां पर कॉपी और ये यहां पर कॉपी। इस तरह से हम लोग R को ले आ सकते हैं। जब हम लोग R पर आ जाते हैं तो समझो वही हमारा आंसर भी है। तो आंसर क्या आया, लैम्डा स्क्वायर b प्लस a डॉट b a प्लस लैम्डा b क्रॉस a डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब, और ये प्लस होना चाहिए, प्लस लैम्डा a स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्योंकि लैम्डा नॉन जीरो है इसलिए सस्टेन कर पाएगा। हाँ, किसी का कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें। तो हमारा एक ही टारगेट था पूरे क्वेश्चन में कि एक तो आर को क्रॉस से फ्री करें, लेकिन यहाँ फंस गए हम लोग, एक को फ्री किया तो दूसरा आ गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका यूज करके आर क्रॉस ए की वैल्यू को प्लेस कर लिया। बेटा एडवांस लेवल पर हमें इक्वेशन पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन वो देंगे आपको, पूछ सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसके लिए। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस यस सर। लिख लीजिए, तो वेक्टर इक्वेशन को लेकर हमने कुछ समझा, अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं भी देख रहा हूं बेटा क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली वेक्टर इक्वेशंस पे क्वेश्चन एक मुझे मिल रहा है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, देखते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट शीट पर जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि आप पेज नंबर देखोगे तो 34 पर है आपकी बुक में। उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए इज इक्वल्स टू कहा गया है माइनस आई माइनस के, बी इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे, सी इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस टू जे और प्लस थ्री के, ये तीन हमें गिवन वेक्टर्स हैं मान लेते हैं। अब वो कहते हैं कि इफ आर क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस बी और आर डॉट ए जो है वो जीरो है, तो वैल्यू ऑफ आर डॉट बी मांगिए। वैसे कंपेटिवली इजी क्वेश्चन है, आर क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस बी, आर डॉट ए जीरो है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आर और ए ऑर्थोगोनल है, और आर डॉट बी उन्होंने हमसे मांगा है, कोई नहीं। तो कुछ सबसे पहले यदि देखा जाए तो मैं इसी का यूज कर सकता हूं, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। देखो इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल मेमोराइज कर लो, यहां पे ना मेरे को बी कॉमन मिल रहा है बेटा, ऐसे करके आर माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो सर्टेनली दे आर पैरेलल, और कोई चांस ही नहीं है जब तक वो अपने आप में जीरो नहीं है। भाई पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? और यदि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम उन्हें एक
स्केलर वैल्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ए और बी पैरेलल हैं तो हम लोग ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी या ए इज इक्वल्स टू के बी ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं. तो फाइनली व्हाट आई गेट कि आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी, सो आर माइनस सी कैन बी रिटन एज के इंटू बी, वेयर के इज एन स्केलर, के इज नॉन जीरो रियल वैल्यू. तो देखा जाए तो बेटा आर तक तो हम पहुंच गए, सी प्लस के बी. लेकिन उन्होंने आर डॉट बी पूछा है, एक तो बात ये, दूसरा हमें इसका भी यूज करना है आर डॉट ए का, और अभी ये तीनों वेक्टर्स का भी यूज करना है. तो इनका कहना ये रहा होगा कि हमें के की वैल्यू भी लाके दिखाइए, जब तक के की वैल्यू हमें प्लेस करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली एक वैल्यू हमें लानी है. तो के की वैल्यू लाने के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कीजिए इसमें, डॉट बाय, आई मीन डॉट प्रोडक्ट बाय ए. फायदा आर डॉट ए इज इक्वल्स टू सी डॉट ए प्लस के बी डॉट ए. अब क्या रहा, ये तो जीरो हो गया. अब सी डॉट ए में यहां से ले आऊंगा. अब सी डॉट ए के लिए हम लोग अलग से प्रोसेस नहीं करेंगे, वो आप मुझे सीधे बताएंगे. माइनस वन से माइनस वन तो वन हो गया, जे है नहीं जीरो हो गया, के हो गया माइनस थ्री, एम आई राइट. बी डॉट ए बेटा बताते भी रहिए, बी डॉट ए आई और आई का डॉट होगा वन हो जाएगा, जे का भी नहीं है और के का भी नहीं है, तो यहां वन हो गया. फाइनली के इज टू, तो मेरे पास फिर से इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई कि आर इज इक्वल्स टू सी प्लस टू बी, इस तरह से मैं लिख सकता हूं. एंड फाइनली व्हाट आई वांट टू फाइंड, आर डॉट बी इज इक्वल्स टू है सी डॉट बी और प्लस टू बी डॉट बी. अब सी डॉट बी कैसे करें भाई हम लोग, सी डॉट बी तो हमें बहुत आसान है, सी डॉट बी हो गया वन प्लस टू, खत्म हो गया, और टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर. मॉड बी कितना है, मॉड बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ टू, तो ये अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो ये थ्री प्लस टू इंटू टू, ये सेवन, ये आर डॉट बी की वैल्यू आ गई. अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर आंसर टाइप का क्वेश्चन है. तो एक बार और बता दीजिए. जरूर बेटा, तीन वेक्टर हमें दे रखे थे ए बी सी, और इन्होंने ये इक्वेशन दी है वेक्टर इक्वेशन, और अब की बार इन्होंने सॉल्यूशन के लिए नहीं कहा है, इन्होंने पर्टिकुलर एक टर्म के लिए कहा है आर डॉट बी. तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब तक हम आर नहीं लाएंगे तो हम आर डॉट बी भी नहीं ला पाएंगे, तो सॉल्यूशन तो इनडायरेक्टली हमसे कह ही रहे हैं. हमें ये इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये आर क्रॉस बी कहता है फिर सी क्रॉस बी कहता है, तो एक ही वेक्टर का दोनों में क्रॉस हो रहा है, तो इसको ही आप ग्रैब कर लो. जब मैं इसको लेफ्ट में मूव कराता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, तो ये बी आर माइनस सी क्रॉस बी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो आर माइनस सी क्रॉस बी हो गया. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यदि जीरो होता है तो सर्टेनली दे आर पैरेलल. ये देखो मैंने पैरेलल लिख दिया क्योंकि एंगल जीरो रहा होगा, और जब वो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे से स्केलर वैल्यू से कनेक्टेड होते हैं. जैसे मान लो मैं आपसे कहूं एक वेक्टर i प्लस j है और एक 2i प्लस 2j है, तो क्या मैं उनको पैरेलल कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, i प्लस j भी और 2i प्लस 2j तो पैरेलल है. तो इसी तरह से मैंने क्या काम किया, r माइनस c को k भी लिख दिया, वेयर k इज एनी नॉन रियल नॉन जीरो रियल वैल्यू. c भी हम लोग ले आए यहां पर, ट्रांसफर कर दिया, तो r तो आ गया, लेकिन r अभी भी एक अननोन वैल्यू कंसिस्ट करता है. इस वैल्यू को लाने के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जिसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया, आर डॉट ए इज इक्वल टू जीरो. तो यह हमें डायरेक्ट करता है कि बोथ साइड ए से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आर डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट, भाई डॉट तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे, तो इस पे डॉट अलग हो जाएगा, बी पे डॉट अलग हो जाएगा, गेटिंग ना. अब आर डॉट ए जीरो हो गया, सी डॉट ए हम फटाक से यहां से ले आए मेरा, और बी डॉट ए भी हम वहां से ले आए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं. ये माइनस टू हो गया, के इज इक्वल टू टू हो गया. अब मैं के को टू वापस यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो मुझे आर की वैल्यू एक नोन थिंग्स में मिल गई, मतलब आर वेक्टर ही जो मिल गया मुझे, सी भी पता है मेरे को, टू भी, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट आर डॉट बी पे अप्रोच कर लिया, तो सी डॉट बी ट्वाइस ऑफ बी डॉट बी, बी डॉट बी मॉडो बी का स्क्वायर होगा, और सी डॉट बी हम यहाँ से ले आएंगे. तो बेटा यहाँ तो अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, अब यस ठीक है ना.
इस तरह का क्वेश्चन भी आप अच्छे से कीजिए, ये आया हुआ है 2011 में। ये एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जा। सी डॉट बी हमने कितना लिखा था, सी डॉट बी 1 और 2, सही है? आपके इसमें आंसर्स काफी गलत दे रखे हैं। हमारा आंसर आ रहा है आर डॉट बी 7 और शायद की में है 9। बेटा आप जरा अपने पास से चेक करना जो हमने क्रॉस वगैरह लिखे हैं, क्या वो सब सही हैं? ए माइनस आई माइनस के, बी है माइनस आई प्लस जे, सी है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3 के, एकदम ओके। बी का ये हो गया, सी डॉट ए, सी डॉट ए हो गया 1 माइनस 3, एकदम ठीक है। बी डॉट ए भी ठीक है, K2 हो गया, सही है बेटा, आप इसे ही कॉपी कर लो, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा अभी भी इस क्वेश्चन में? नो सर। अब हम लोग मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एक प्रोजेक्शन पर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके लिए, देखिए नेक्स्ट सीट पर। जैसे इसमें लिखा गया है इन आर स्क्वायर, अच्छा इसका इंडिकेशन क्या है? इन आर स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं बेटा हम लोग, कि भाई टू डायमेंशनल में लिया गया है तो दो ही वेक्टर यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन रहे होंगे। यदि आर क्यूब कहते तो आई जे के होते। फिर वो कहते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे ऑन अंडरूट 3i प्लस जे इज अंडरूट 3। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट इज अंडरूट 3। अब प्रोजेक्शन क्या होता था जी, हमें तो याद है क्या है, वो होता था बी डॉट ए कैप। तो मेरे लिए ये बी है और ये ए है, तो अल्फा आई प्लस बीटा जे और डॉट कैप, कैप का मतलब है मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस जो कि 2 आने वाला है, ये बात कंफर्म है। अंडरूट 3 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये इन्होंने हमें दे रखा है अंडरूट 3। यहां तक की बात समझ में आई बेटा? यस सर। आगे वो कहते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडरूट 3 बीटा, तो सारी हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी इन्होंने। तो भाई अब इन्होंने क्या कहा है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा बताइए, बता देंगे आसानी से। तो यहां जो है इक्वेशन अंडरूट 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडरूट 3, अब इन दोनों में आप बीटा को एलिमिनेट कर लीजिए, 2 अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 अल्फा, प्लेस इट हियर। तो ये कितना हो गया 6 और माइनस 3 अल्फा 4 अल्फा, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस। इस तरह से इसमें बेटा दूसरे क्वेश्चन का सही ये वाली क्वेश्चन बेटा, ये वाली जो थी, हाँ ये ना क्वेश्चन का पार्ट है, उन्होंने दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम लाए हैं एंड इट इज गिवन, ठीक है बेटा? हाँ ये इन्होंने दिया हुआ है। अब जरा मुझे उसका आंसर बताइए।
a माइनस बी मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी माइनस सी मॉडुलस स्क्वायर. सिंपल ही क्वेश्चन है. सी माइनस ए मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 9. फाइंड 2a प्लस 5b और प्लस 5c. ये क्वेश्चन करिए बेटा. बताओ बेटा, आपने स्टार्ट कर दिया नया क्वेश्चन? यस सर. अंडर रूट टू आ रहा है. पता नहीं बेटा, इसमें तो 3 दे रखा है इन्होंने. मैं भी एक बार करके देखता हूं. ये जो मॉडुलस ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर और सी माइनस ए स्क्वायर है ना, ये इन्होंने 9 दिया था आई थिंक. तो ये जब आपने किया होगा तो मैं समझता हूं कि जैसे ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो सेल्फ डॉट से ब्रेक होगा. a माइनस बी डॉट a माइनस बी, बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ. इसी से आइडिया आ जाएगा. a डॉट a वन, b डॉट b वन, तो यहाँ 2 माइनस 2 a डॉट b. तो सिमिलरली 2 माइनस ट्वाइस ऑफ b डॉट c और प्लस 2 माइनस 2 c डॉट a इज इक्वल्स टू 9. ये तो पक्का आने वाला है. अब यदि हम देखें तो 6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ जाएगा. बताओ बेटा भाई. yes. ये ना पहले वाला हमने जो किया उसी से सिमेट्रिकली हमने यहां पर भी लिख लिया. अब 6 माइनस 9 इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, बी डॉट सी और C डॉट A. ये स्टॉप करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर. अब लाना क्या था, 2A प्लस 5B. मॉडुलस को सॉल्व करने का एक ही टूल है हमारे पास कि हम उसका स्क्वायर करें और डॉट 2A प्लस 5B और प्लस 5C. तो A डॉट A, अच्छा ये इन्होंने यूनिट वेक्टर तो दे ही रखे हैं तो आप चाहो इन्हें वैसे भी हटा सकते हो. cos थीटा 1 थीटा 2 लाइक ऐसे करके. ये बेटा 2 जो आया था ना, समझ रहे हो ना आप, a डॉट a 1 लिखा था मैंने. तो ऐसे यहां पर ये 4 हो गया, 25 हो गया, 25 ये a के रिगार्डिंग, ये b के रिगार्डिंग और ये c के रिगार्डिंग. बाकी अब क्या आने वाला है वो थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा. ए बी तो 10 हो गया और बी ए तो 20 ऑफ ए डॉट बी और ए सी लेके आते हैं. अब वो भी 20 आने वाला आई थिंक.
और बीसी और देखना बेटा, बीसी 25 50 बीसी, am I right? Yes, sir. उसके बाद में अब ये 54 हो गया, 54 और प्लस 20 ऑफ ए डॉट बी, 20 ऑफ ए डॉट सी, 50 ऑफ बी डॉट सी। अब आप ये देखोगे कि -3/2 इज इक्वल्स टू, ये सब लिखा हुआ है, इसको हम लोग ना एक और फॉर्मेट में भी लिखना चाहेंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3। बेटा वेयर थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 बी द एंगल्स बिटवीन ए बी बी सी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो जब एक आर स्क्वायर में एक सिस्टम बनता है इस तरह का या आर क्यूब में, तो cos a प्लस cos b प्लस cos c की जो वैल्यू है ना वो -3/2 और 3/2 के बीच में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है, तो ये अपनी मिनिमम करे या मैक्सिमम करे वो तभी अटेन कर सकती है जब थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 इक्वल एंगल हों, और ये इक्वल एंगल इस तरह से होंगे जो ईच वन इज गिविंग यू -1/2, मतलब cos थीटा 1 इज गिविंग यू -1/2, cos थीटा 2 इज गिविंग यू -1/2। ये आप फिर ये ग्राफिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन मैं आपको अलग से भी लिखवा देता हूँ इस बात को, cos a cos b cos c, ये आपका 3/2 हो गया। एक सिस्टम ऑफ मतलब आर टू या आर थ्री यदि हम लोग ले लें और वो एक सिस्टम बना रहे हैं, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर भी इक्वल वैल्यू देते हैं, ऐसे ही मैक्सिमम पर भी। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में cos a cos b cos c का सम मैक्सिमम होता है 60 60 60 ईच। तो यहाँ हम लोग पाई वाई मतलब पाई माइनस पाई वाई थ्री 120 ईच दे विल गिव। तो सर्टेनली हमारे पास ये 54 20 ऑफ ये -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये भी -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 -10 -10 और -25 होना चाहिए। अब देखना कितना बचा बेटा, ये 54 और 45 9। इस बार बेटा ये आंसर ठीक है, गलत कर देती है। मैंने जो वेक्टर्स है ना, जैसे क्वेश्चन में गिवन था यूनिट वेक्टर्स हैं, हाँ हाँ, मैंने उनको फ्री ऑफ चॉइस मान लिया था, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने ए और बी को जीरो ले लिया और फिर सी निकाल के सॉल्व कर लिया। लेकिन बेटा आप जैसे ए और बी को जीरो लिया था और सी को क्या लिया था आपने? सर सी को सी मान लिया, वेक्टर ओ वेरिएबल मान लिया एक। अच्छा, वही गलती की बेटा आपने, है ना। देखो आप सोचो, यदि मैं ए और बी दोनों को जीरो मान लूंगा तो फिर तो सी हम वेरिएबल नहीं मान सकते ना, सी तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि इन तीनों का सम फिक्स है। आप देखो जरा, इन तीनों का सम 9 है ना। तो आप समय कहने का मतलब था कि मतलब सी की वैल्यू निकालनी यहां से। हाँ, तो वो फिर एक, इसका मतलब यदि मैं ए को 1 1 मानता तो सी कुछ और आ जाता, तो वो क्या हुआ कि कनेक्ट नहीं हो पाए आपस में, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से फ्री वेक्टर्स बेटा नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उससे तो एक पर्टिकुलर ट्रायो बन जाएगा, और वो पर्टिकुलर ट्रायो पर क्योंकि इनके जो कॉम्बिनेशन है ना, देखो यहाँ देखो आप, जैसे ए बी और सी, इन तीनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये तो हर एक ट्रायो पर अलग वैल्यू देंगे, तो ये वैल्यू वेरिएबल हो जाएगी यदि हम ऐसे करेंगे तो। समझ रहे हो आप? तो इसलिए हम लोग फ्री चॉइस नहीं ले सकते वेक्टर्स की। जो मैंने आज सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे जो डिटरमिनेंट वाला था, वहां एक बारी हम लोग कंफर्टेबल था और वहां मैंने सजेस्ट भी किया था, जिसका आंसर जीरो आया था मुझे याद है। लेकिन यहां मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा ना करें, इसमें आप प्रॉपरली चलना पड़ेगा। लेकिन ये बात बहुत समझने, मतलब और आगे से आप याद भी रखिए। देखो मैं आपको फिर से हाईलाइट करता हूं, cos a plus cos b plus cos c का जो सेट है वो एक बाउंडेड सेट में 3/2 और -3/2 के बीच में रहता है, और यदि वो अपनी मैक्सिमम अप्रोच करता है तो वो इक्वल एंगल पर, और मिनिमम करेगा तो भी इक्वल एंगल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी इसको अच्छे से समझ लें, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी भी पूछ सकते हैं। मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस
आपको अभी लूंगा। आगे मूव कर सकते हैं बेटा हम। यस गुड। देखिए बेटा, देखो बेटा, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जैसे मान लो कैल्विन की बुक है आपके पास, किस देखो मैं हमेशा आपको एक बात बताऊं कि हम किसी एक बुक को 100% लगा लें तो हमारी 85% प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी 15% में यदि हम 15 और बुक लगा लें ना, तो भी नहीं होती, तो भी उसमें कुछ परसेंटेज कमी रह जाती होगी। तो इसलिए किसी एक बुक को पकड़ लो अच्छे से और उसको फिर पूरा करो, क्योंकि करना है पूरा, तो उसमें आपको जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो सारे मिल जाते हैं, और जो करंट में ट्रेंड्स है क्वेश्चंस का, वो सब आप उससे अवेयर हो जाते हो, और एक बार अवेयर हो जाते हो तो फिर करने भी लगते हो। ठीक है ना बेटा? यस सर। देखो अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे उसका आंसर दें। एक पैरेलल पाइप दे बेटा, जो वेक्टर ए बी सी से कंप्राइज है, और उन्होंने कहा है कि इसका वॉल्यूम 2 है। ओ सॉरी, 2 है, इस बार 2 है, वापस से लिखता हूं। तो वॉल्यूम 2 यूनिट है। अब वो कहते हैं एक ऐसे पैरेलल पाइप का वॉल्यूम पता लगाइए जो कि 2 ऑफ ए क्रॉस बी, 3 ऑफ बी क्रॉस सी और ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए से बना है। बेटा समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है? एक पैरेलल पाइप है जिसके तीन साइड्स हैं ए बी सी, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 2 है। लेकिन ऐसे पैरेलल पाइप का वॉल्यूम डिटरमाइन कीजिए जिनके साइड्स ये हैं, जो इन वेक्टर से बना है। तो आई एम वेटिंग फॉर आंसर, बताइए। इसका बेटा आंसर इंस्टेंटली आना चाहिए था वैसे। कितना बेटा? 48। वेरी गुड, 48 आना चाहिए, एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। आपने ये तीनों वेक्टर यहाँ प्लेस किए होंगे। यस सर। और आपने देखा कि 2, 3 और 2 को आप बाहर ले आए। तो यस सर, फिर इन दोनों का क्रॉस और डॉट लेके। हाँ, और ये आपने अभी रिजल्ट कुछ ही देर पहले पढ़ा था, ये था। बहुत बढ़िया, ऐसा ना, हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थोड़े से इस तरह के आते हैं तो फिर हम जल्दी से अपना आंसर ले आप। और देखो सारी बैटर ही किस बात का है, फाइट ही किस बात की है, जल्दी से आंसर लाने की फाइट है, वरना आंसर तो सब दे ही देंगे, उनको पूरा दिन बिठा के रखा जाए तो आंसर तो मिल ही जाएंगे भाई। ठीक है ना? अच्छा एक और दूंगा बेटा मैं अभी भी। फिर से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है वो 5 है। इस बार इन्होंने जो वेक्टर्स दिए हैं वो इस तरह से हैं, थोड़ा सा चेंज करें। अब इसे आप जल्दी से कैसे हैंडल करते हो देखना है। 3 ऑफ बी क्रॉस सी एंड ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए, 3 ऑफ ए प्लस बी, 3 ऑफ बी क्रॉस सी एंड ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए।
18 तो बाहर ले ही लिया होगा। यस सर। बेटा इस तरह से करना है इन दोनों का क्रॉस, फिर ये हमारे पास बी क्रॉस सी फर्स्ट और थर्ड ये आ गया, फिर माइनस अब बी बाहर आएगा तो यहाँ सी, अरे यार ये डॉट होगा नहीं नहीं होगा, ओके ओके गलत हो गया थोड़ा सा, बी डॉट सी सी माइनस उसके बाद में फिर प्लस। अच्छा यार ये ना एक काम करना तुम, एक मिनट बेटा ये ना मैं दूसरी सीट लूंगा, 18 ऑफ ये जो तीन वेक्टर हमने प्लेस किए थे ये हो गया एक प्लस बी, फिर है बी क्रॉस सी और फिर है सी प्लस ए, तो इसमें ना आप थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर में रन करा लो इसको, साइक्लिक ऑर्डर में रन करा लो, ये दोनों वेक्टर पास ले आओ इसको बाहर, जैसे माइनस 18 बी क्रॉस सी ए प्लस बी और C प्लस ए, बी क्रॉस सी डॉट। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस होगा तो ए क्रॉस सी बचेगा, ए क्रॉस ए खत्म, फिर बी क्रॉस सी बचेगा और प्लस बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस सी B क्रॉस C और B क्रॉस C सेल्फ डॉट हो गए, और ये हमने आपको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखवाया है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इसमें मिस्टेक हो, आप लोगों को आया है बेटा क्या ये क्वेश्चन? No, sir. एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे कुछ यहाँ पर टाइपिंग एरर लग रही है। इसे यदि मैं बी प्लस सी सी प्लस ए ले लूं तो ये ट्वाइस ऑफ होता है 36 ए बी सी 36 इंटू 5, अब सही है बेटा वो टाइपिंग एरर है, ये बी क्रॉस सी की बजाय आप बी प्लस सी कर लीजिए, ठीक है? Yes, sir. यार टाइपिंग एरर आपकी इसमें बुक में बहुत है, कई बार आ चुकी है। अच्छा चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये बेटा जेई में आया 2008 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पैरेललोपाइप्ड है और उसकी जो एजेस हैं वो यूनिट लेंथ की हैं और वो ए कैप बी कैप सी कैप से दिखाई गई हैं, जो एजेस हैं यूनिट लेंथ की हैं, तो यूनिट लेंथ का मतलब है कि भाई इनका मॉडुलस तो वन हो गया और बाकी इन्होंने कुछ और डॉट भी दिए हुए हैं, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, ये वन दिया हुआ है, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पूछा है। Okay, हाँ बेटा 1/2 है
और मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमें लाना है। भाई ए डॉट ए, बी डॉट बी और सी डॉट सी, ये तो समझ गए होंगे आप, ये क्या होगा? यस सर, वन होगा। तो कोई फॉर्मूला सजेस्ट हुआ बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? वैसे कर सकते हैं नॉर्मली, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, हमें इनके एंगल का पता है, बीच में क्या है एंगल। नहीं नहीं आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक कभी ये एक फॉर्मूला बताया था। यस इट इज मच बेटर, है ना बेटा? ये आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि आप इसको करिए यूज। ये ज्यादा अच्छा है बेटा, इससे क्या फायदा होगा कि आपको सारे वैल्यूज पता हैं, जैसे ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये सब हाफ हो गया, ये भी 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 हाफ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, वन माइनस वन अपॉन फोर माइनस हाफ, हाफ माइनस वन अपॉन फोर और वन अपॉन फोर माइनस हाफ। तो देखो बेटा अब क्या आ गया है, ये थ्री बाई फोर बचेगा, ये बताना, वन अपॉन फोर और यहां भी माइनस, कितना लिख दूं, वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर। तो ये हो गया थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर, तो ये टू बाई फोर हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा। अब लेकिन ये ए बी और सी क्या, लेकिन मुझे चाहिए था ए बी और सी, तो ये वन अपॉन अंडर रूट टू हो जाएगा बेटा, बताओ ये ठीक रहेगा ना इस तरह से? क्योंकि वॉल्यूम होता ही क्या है, वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो होता है और उसके स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, तो ये सब हमने वैल्यूज प्लेस कर दिए, तो ये आ गया बेटा। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो इसमें? अच्छा, जो आप एंगल की तरफ से जा रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा हम फंस सकते थे, वो लेंथ ही जा सकता था, लेकिन ये शॉर्ट है। चलिए और भी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं बेटा, हम नेक्स्ट सीट पे मूव कर जाएं, समझ में आ गया? यस सर, यस सर। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है कि a इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k, b इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस k, और फिर से एक और वेक्टर दिया हुआ है c i माइनस j माइनस k, ये तीन वेक्टर्स हैं। अब वो कहते हैं एक वेक्टर है v इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए और बी, ए और बी के प्लेन में है, हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज वन अपॉन अंडर रूट थ्री। तो उन्होंने वेक्टर वी को मांगा है हमसे, वेक्टर वी उन्हें चाहिए। ए वेक्टर ए और बी क्या लिखा है आपने? सेम ही है तो प्लस के और B है I प्लस, ओ दोनों सेम है क्या ये? दोनों सेम ही टाइप है बेटा इसमें तो।
कुछ और होगा, हम लोग एक काम करते हैं, कुछ बदल लेते हैं इसको, अपने पास से कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। ये ए हमने आई प्लस जे प्लस के कर लिया, बी इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सॉरी रुक जाओ। ये है मैडम, अब कंसर्न इज दैट कि हम लोग कैसे करें इस क्वेश्चन को। वी ए और बी के प्लेन में एक वेक्टर है। तो देखो मैं आगे के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप किसी वेक्टर को किन्हीं गिवन वेक्टर्स के प्लेन में कंसिडरेशन लेते हो, तो बेटा वो जो है ना, उन दोनों को एक लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। पता है वी को हम लोग क्या मान सकते हैं? वी को हम लोग ए प्लस टी बी मान सकते हैं। एक वेक्टर जो गिवन वेक्टर्स के प्लेन में है वो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। आप समझ गए इस बात को? सर मान लो हमारे पास तीन होते, अब मुझे, मैंने मान लो एक अननोन का यूज कर लिया, यदि तीन वेक्टर होते तो मुझे मिनिमम दो अननोन का यूज करना पड़ता, लाइक ए प्लस टी बी प्लस एस सी, ऐसे करके कुछ। अब फिलहाल एक है तो मैं एक के लिए कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, मतलब दो हैं तो एक अननोन यूज कर सकता हूँ। अब उन्होंने कहा है इसका प्रोजेक्शन सी पर कितना है, वन अपॉन अंडर रूट थ्री है। प्रोजेक्शन हम लोग लाना जानते हैं, वी डॉट सी कैप ये कितना है इनके अकॉर्डिंग, वन अपॉन अंडर रूट थ्री है। अब आप ए प्लस टी बी को कनेक्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा हमारे पास वन प्लस टी ऑफ आई, वन प्लस टू टी ऑफ जे, और वन प्लस थ्री के, आई मीन सॉरी थ्री टी ऑफ के, और डॉट सी कैप। सी कैप का मीनिंग भी बहुत साफ है, आई माइनस जे माइनस के ओवर अंडरूट थ्री। और ये प्रोजेक्शन लेंथ उन्होंने बहुत बढ़िया दी हुई है, हमारा काम बन गया बढ़िया, अंडरूट थ्री से अंडरूट थ्री भी कैंसिल हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, वन प्लस टी प्लस माइनस वन माइनस टू टी, और यहाँ माइनस ले लेता हूँ, चलो वन माइनस थ्री टी, और ये सब बेटा किसके इक्वल रख देंगे हम लोग, सी वन के इक्वल। अब ये वन कैंसिल हो गया अपने पास, अब देखो आप कितना कितना आता है, माइनस फोर टी आई थिंक इज इक्वल्स टू टू, टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब टी को हम लोग यदि यहाँ प्लेस कर देंगे और ए और बी के कॉम्बिनेशन से, बड़े आराम से हमें वी मिल जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? यस तो ऐसा भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्लैरिटी है यहां पर इस क्वेश्चन को लेकर? यस और हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप जरूर करना है ना, जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल्स टू आई प्लस टू जे प्लस फोर के, बी इज इक्वल्स टू आई प्लस लैम्डा जे प्लस फोर के, एंड सी इज इक्वल्स टू टू आई फोर जे, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन के। इन्होंने कहा है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ये, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ए क्रॉस सी पता लगाइए। अच्छा आपके लिए क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है क्या? ये इजीली हो जाएगा भाई, इन्होंने कोप्लेनर वेक्टर्स तो ऑलरेडी दिया ही है और उसके लिए हमें बहुत अच्छा तरीका पता है, ये जीरो होता है। तो हम एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जल्दी से, वन टू फोर, वन लैम्डा फोर, टू फोर, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, और इसको जीरो रख देंगे। फिर बस और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें यह है कि हाँ एक क्यूबिक इक्वेशन पर हम लोग लीड कर रहे हैं, सॉरी माइनस सिक्सटीन
फिर माइनस टू लैम्डा स्क्वायर माइनस वन माइनस एट प्लस फोर, फोर माइनस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 16 माइनस टू लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 16 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख लो माइनस टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा देखना बेटा कितने आ रहे हैं, माइनस 9 लैम्डा, और आफ्टर दैट 16 तो अच्छी बात है कैंसिल ही हो गया, और प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। और ये सब तो बहुत पुरानी बात है, सब आता है। अब जैसे ही हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को हम लोग यहाँ प्लेस कर लेंगे, सारे वेक्टर हमारे नोन हो जाएंगे और हम लोग एक क्रॉस सी ले आ सकते हैं। बताओ बेटा, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इजिली आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए डन है। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे हम लोग। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूं। एक देखना बेटा, ए इज इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस अंडू टू के, उधर बी इज इक्वल टू है बी वन आई बी टू जे और प्लस अंडर रूट टू के फिर से, और सी इज इक्वल टू है फाइव आई प्लस जे प्लस अंडर रूट टू के, तीनों एक जैसे हैं। कुछ डाउट हो रहा है मुझे, कहीं टाइपिंग एरर ना हो। बी थ्री वेक्टर सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज ए, गलत, ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज समथिंग, मैं कुछ एक नंबर दे देता हूं आपको, दैट इट इज थ्री, और वो कहता है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो मॉड ऑफ बी पूछा है। तो यहां फिर से एक टाइपिंग एरर है बेटा, लेकिन क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको तीन वेक्टर दे दिए, उसमें दो अननोन क्वांटिटी आप देख रहे होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो बी का प्रोजेक्शन ए पर लाया जा सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो एक क्वांटिटी के बराबर भी रखा जा सकता है। तो आपको बी वन बी टू में एक रिलेशन मिल जाएगा, एग्रीड? सर उसके बाद फिर आप ए प्लस बी करेंगे और वो परपेंडिकुलर है सी पर, तो आप ए प्लस बी डॉट सी को जीरो के इक्वल रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को कर नहीं रहे क्योंकि इसमें एक डेटा गलत है, अब पता नहीं कैसा आएगा फिर, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि कैसा होगा। यहाँ पे क्या होता बेटा, यहाँ पे होता बी डॉट ए कैप इज इक्वल टू, मान लो मैंने थ्री रखा है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी बी वन बी टू में, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दोनों वैल्यूज हम लोग वापस यहाँ प्लेस करेंगे, एंड देन आफ्टर वी कैन अप्रोच फॉर दिस वैल्यू। डन? यस इस तरह से हम yes. तो बेटा एक यदि हम अब पूरे चैप्टर को एक बार फिर से थोड़ा आउटलाइन देना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि आपको एक तो कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी और प्रोजेक्शन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशन, प्रोजेक्शन और एंगल बाइसेक्टर और वेक्टर इक्वेशन, मतलब कुल मिला के 8 पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। कोलिनियरिटी या पैरालिज्म एकदम क्लियर है, मैंने अभी यूज भी किया था और आई थिंक उतना आपका हो भी गया था कि यदि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इस तरह से कोई आपके कोलिनियर भी कह सकते हैं और पैरेलल तो होंगे ही वो सेम डायरेक्शन में, बस लैम्डा नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना। और लीनियर कॉम्बिनेशन की बात भी मैंने आपको बताई कि
कि यदि मुझे एक वेक्टर को किन्हीं गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में एज्यूम करना होता है, तो हम जितने भी वेक्टर्स होते हैं उससे एक कम आप अननोन वैल्यूज लेके उनको बना सकते हो। जैसे मान लो ए बी और सी में एक वेक्टर आ जाए डी, तो मैं डी इज इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, वन इंटू ए प्लस के वन इंटू बी प्लस के टू इंटू सी। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में एक हम शॉर्ट कर सकते हैं बस अननोन, बाकी सबको मानना पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes. तो आई होप वेल कि आप वेक्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आप करोगे। और बेटा मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एसटीपी, वीटीपी, वेक्टर इक्वेशन और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन 95% इन्हीं से आता है, बाकी में बचते हैं प्रोजेक्शन, कोप्लेनरिटी और एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इनके क्वेश्चंस भी लेंगे, फिर 3D भी स्टार्ट करेंगे, और जब 3D खत्म हो जाएगी तो वेक्टर और 3D का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन विद क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लिखूंगा क्वेश्चंस मुझे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कई बार एरर्स आ जाती है तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम लोग करेंगे उसको। ठीक है बेटा, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम लोग बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, गुड आफ्टरनून।